नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक 4 मंजिला इमारत के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू का काम कई घंटे बाद भी जारी है। घटना बांद्रा के खेरवाड़ी रोड स्थित महक दुकान स्थित रजाक चौल के तड़के 1:45 बजे हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार कुल 11 लोगों को दमकल विभाग ने और कुछ अन्य 6 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया है। सभी को बांद्रा के भाभा और वीएन देसाई अस्पताल भेजा गया है। इसमें से 28 वर्षीय रियाज अहमद को अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 21 वर्षीय नुराल हक हैदर अली सैयद को मामूली चोटें आईं। 4 अन्य घायलों में 24 वर्षीय सलमान अतीक खान, 22 वर्षीय राहुल मोहन खोत और 48 वर्षीय लता मोहन खोत हैं और उनकी हालत स्थिर है। इलाके के घरों के बिजली सप्लाई बंद, जिस दौरान यह दुर्घटना हुई बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के जवानों को मलबा हटाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे इलाके के विधायक जिसान सिद्दीकी के मुताबिक घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मलबे को हटाकर देखा जा रहा है कि क्या कुछ और लोग भी फंसे हैं या नहीं। बारिश में हादसा और ना बढ़ सके, इसके लिए इस इलाके के घरों की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।